वेटलैंड्स के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व वेटलैंड्स दिवस के उपलक्ष पर पर्यटन निदेशालय जम्मू ने वन्य जीव संरक्षण विभाग जम्मू कश्मीर और द हिमालयन एवियन के सहयोग से आरएसपुरा के घराना वेटलैंड पर वर्ल्ड वॉचिंग के साथ पेंटिंग और फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस अवसर पर पर्यटन निदेशक जम्मू विवेकानंद रॉय ने छात्रों के एक दल को टीआरसी जम्मू से घराना वेटलैंड आरएसपुरा के लिए रवाना किया। ये दिन आज के दिन मनाने का ये रहता है कि हमारे आसपास जो वाटर बॉडीज हैं और उससे रिलेटेड जो हैबिटेट हैं उनको बचाए रखने के लिए, उनका ग्रोथ कैसे हो वहाँ पे, उस सिलसिले में उन चीज़ों को अपनी ड्यूटी के लिए हम लोग अवेयर रहें। उसी सिलसिले में आज डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म जम्मू ने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के सहयोग से घराना वेटलैंड, जो इंटरनेशनल लेवल का हमारा एक डेस्टिनेशन है और पिछले कुछ सालों में यहाँ पे एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, जब यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, नवंबर दिसंबर से लेके वो फेब मार्च तक रहते हैं जो माइग्रेटरी हैं, और कुछ यहाँ की रेगुलर बर्ड्स भी हैं जो साल भर वो रहते हैं अपने जो यहाँ के हमारे हैबिटेट हैं। उसी सिलसिले में एक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये आज के दिन में ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। इसमें 250 से ज़्यादा बच्चे, यूथ जो स्कूल और कॉलेज गोइंग है, ताकि उन्हें ये चीज़ें कैसे बचाए रखनी है जो हमें मिली है, कैसे आगे भी चल के उन्हें बनाए रखना है और बचाए रखना है, उन चीज़ों को, इसलिए एक आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हम लोग कर रहे हैं। उसमें हमें एक हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, हिमालयन एवियन करके है, गुलदेव जी हैं, वो हमारे लिए एक तरीके से लीडिंग फोर्स हैं, हम लोगों के लिए हेल्पफुल हैं कि उन बर्ड्स के बारे में, उनका कब आना होता है, कब जाना होता है, यहाँ पे आने पे उनका जो बिहेवियर है कैसे है, हम उनके साथ कैसे बेहतर तरीके से बिहेव करें कि उनके नंबर्स बढ़ें, क्योंकि डेफिनेटली जैसे हम लोग बात करते हैं कि माउथ पब्लिसिटी, अगर हम किसी चीज़ की तारीफ़ करते हैं तो एक से दूसरे तक जाता है ह्यूमन बीइंग में, वैसे ही डेफिनेटली जो हमें लगता है कि जो बर्ड्स के भी बिहेवियर हैं कि अगर उन्हें यहाँ पे जो 4-5 महीने वो नवंबर के बाद से लेके फेब मार्च तक जब यहाँ का मौसम उनके अनुकूल रहता है, तो डेफिनेटली हर साल हमें लग रहा है, जैसा गुलदेव जी से पिछले 3 सालों से हम टच में हैं, तो कुछ ना कुछ वेराइटीज़ बढ़ रही हैं और जो आ रही हैं उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं उन बर्ड्स के। बदलाव तो जब मैं घराना में गया 2002 में जब सीज़ फायर हुआ, उसके बाद जब मैं गया घराना में तो बदलाव आया है ना। तो मैसेज ये है कि आखिर ये जो भगवान की जो दुनिया है, प्रकृति की ये दुनिया है, थोड़ा सा इसको समझना चाहिए कि भगवान ने कितने रंग भरे हैं, परिंदों के कितने रंग हैं, है ना। ये मतलब ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये प्रकृति का हिस्सा है। अगर आप इनको जानने की कोशिश करेंगे तो आपका जीवन बड़ा सफल हो जाएगा, आपका मन बड़ा शांत हो जाएगा, क्योंकि नेचर में जब आप मिलोगे ना तो हर चीज़ जो आप पे जो मैल जमी हुई है ना वो अपने आप वो निकल जाएगी, आप एकदम निर्मल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और बहुत सुखमय जीवन हो जाएगा पक्षियों के जरिए।